स्टूडेंट्स ईसीएस को पढ़ने के बाद उनके विशिष्ट बिंदुओं को समझने के बाद उनके कैरेक्टर्स को पढ़ने के बाद आज हम लोग ईसीएस बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और उनके डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स की बात करेंगे और हाइड्रोजन के ई नॉट वैल्यूज का कंपैरिजन करते हुए उनके अपचयन विभवों, उनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एसिड एंड बेस रिएक्टिबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फोर अल्काली मेटल्स ए बी सी एंड डी आर -3.06 वोल्ट, -1.63 वोल्ट, -0.40 वोल्ट एंड -0.80 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, अर्थात चार क्षारीय धातुओं ए बी सी और डी के मानक अपचयन विभव ये दिए हुए हैं आपको, और इसमें से कह रहा है कि प्रबलतम अपचायक को ज्ञात कीजिए। तो जब हम इसका आंसर करेंगे तो सबसे पहले हमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल को लिखना होगा, देन ईसीएस को ड्रॉ करना होगा, इन्हीं एलिमेंट्स की विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाएंगे और अकॉर्डिंग टू व्यूज, अकॉर्डिंग टू लॉजिक्स उसके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने जो एल्कली मेटल्स के पोटेंशियल्स दिए हुए थे, स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल्स दिए थे, उनको लिख लिया और अब इनके आधार पर ईसीएस बनाएंगे, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो ईसीएस में हाइड्रोजन इज द मिड एलिमेंट, हाइड्रोजन के सापेक्ष जब ऊपर चलते हैं तो वैल्यूज माइनस में उनके पोटेंशियल्स के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे जाने पर मानक इलेक्ट्रोड विभवों का मान धनात्मक हो जाता है, यानी पॉजिटिव हो जाता है। तो अब यहां पर एक केस है कि हाइड्रोजन के सापेक्ष जब हम ऊपर की तरफ इनके वैल्यूज लिखेंगे तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, यानी जो हाइड्रोजन से नियरेस्ट होगा वो माइनस का लार्जेस्ट वैल्यू होगा और जितना ऊपर जाएंगे वो वैल्यूज उतने ही स्मॉलेस्ट होते जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू हम इनको सेटअप देते हैं ईसीएस में। सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू लिखेंगे फॉर सी, 0. माइनस का 0.40 वोल्ट, और ये किसके लिए है, फॉर एलिमेंट सी। देन डी के लिए रिमार्क करेंगे, वैल्यू होगी माइनस की 0.80 वोल्ट और एलिमेंट होगा डी। देन उसके बाद उससे लोवेस्ट मिलेगा बी, तो बी के लिए वैल्यू रिमार्क करेंगे -1.63 वोल्ट एंड सबसे टॉप पर मिला ए और इसका वैल्यू होगा 3.06 वोल्ट। अब ये जो हमने यहां ड्रॉ किया ये इन फोर एलिमेंट्स के लिए ईसीएस हो गई। तो ईसीएस में जो वैल्यू माइनस में जितनी बड़ी लिखी जा रही है वो उतनी छोटी होगी और जो जितनी छोटी दिखाई दे रही है वो माइनस के कारण उतनी ही लार्जेस्ट होगी। तो नीचे जाने पर वैल्यूज इंक्रीज करेंगे और फिर हाइड्रोजन के बाद प्लस में हो जाएंगे, जबकि ऊपर जाने पर ये वैल्यूज डिक्रीज करेंगे। तो यहां हम लोग जब स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल की बात करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, तो हाइड्रोजन से के सापेक्ष ऊपर जाने पर तत्वों के ई नॉट वैल्यूज ऋणात्मक रूप में घटते जाने पर उनका मानक अपचयन विभव बढ़ता है, इंक्रीज करता है। तो यहां पर हाइड्रोजन से ऊपर जाएंगे तो जो उनका स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल है अर्थात एस आर पी है वो इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करेगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, तो इस आधार पर सबसे अधिक स्ट्रॉन्गेस्ट जो होगा वो ए एलिमेंट्स होगा। तो इसका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, एलिमेंट्स ए इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स,
द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फोर मेटल्स ए बी सी एंड डी आर गिवन. ए बी सी एंड डी आर गिवन प्लस 1.5 वोल्ट माइनस 2.0 वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट एंड माइनस 0.76 वोल्ट रिस्पेक्टिवली. फाइंड आउट द इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ दीज मेटल्स. अर्थात कह रहा है कि चार तत्वों ए बी सी और डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः ये दिए हुए हैं और इनके आधार पर इन सभी धातुओं की सक्रियता का बढ़ता हुआ क्रम ज्ञात कीजिए. तो ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट हमें सबसे पहले गिवन एलिमेंट्स के वोल्टेज वैल्यूज यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख लेने होते हैं. देन इनकी ईसीएस ड्रॉ करेंगे और ईसीएस के आधार पर एक्टिविटी का व्यू सुनिए. मेन पॉइंट सुनिए कि जब हाइड्रोजन के सापेक्ष ऊपर की तरफ जाते हैं ईसीएस में तो उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में डिक्रीज करते हैं और जिसका माइनस में जितना लोवेस्ट वैल्यू होगा उसकी एक्टिविटी उतनी ही स्ट्रांगेस्ट होगी. तो इस व्यू को लेकर के हम ईसीएस बनाएंगे और फिर इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे. तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने यहां फोर मेटल्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख लिए और इनके आधार पर अब ईसीएस बनाते हैं. जब हम ईसीएस ड्रॉ करेंगे तो हाइड्रोजन मेन एलिमेंट्स के रूप में होगा और इन अननोन मेटल्स के पोटेंशियल को सेटअप दें. हाइड्रोजन का इनॉट पोटेंशियल जीरो होता है. देन यहां पर हम सबसे पहले पॉजिटिव एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हाइड्रोजन से नीचे जाने पर इनॉट वैल्यूज प्लस में इंक्रीज करेंगे. तो अगर हमने यहां पर हाइड्रोजन का जीरो रिप्रेजेंट किया तो अकॉर्डिंग टू गिवन एलिमेंट्स प्लस के दो वैल्यूज हैं ए और सी का, तो सबसे छोटा सी का मिलेगा. इसलिए पहला वैल्यू पुटअप करेंगे प्लस में 0.34 वोल्ट किसके लिए, सी के लिए. देन प्लस वाला ही ढूंढेंगे यहां, तो ए मिला और ए का वैल्यू है प्लस का 1.5 वोल्ट, तो ए वाले फिनिश हुए. अब माइनस वाले ऑर्डर दिखाते हैं आपको, प्लस के बाद में माइनस का सीक्वेंस. हाइड्रोजन से ऊपर चले तो माइनस की लार्जेस्ट वैल्यू, तो हमने देखा माइनस का ये है एक वैल्यू और एक ये है, तो लार्जेस्ट कौन मिलेगा, जो जितना छोटा दिखाई दे रहा होगा उतना ही बड़ा होगा. तो लिखेंगे इसको 0. माइनस का 0.76 वोल्ट किसके लिए होगा, डी के लिए. और देन लास्ट करेंगे माइनस का 2.0 वोल्ट किसके लिए, बी के लिए. तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने ईसीएस ड्रॉ कर ली. अब ईसीएस के आधार पर एक्टिविटी, तो मैंने कहा आपसे कि ईसीएस में ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर जैसे जैसे तत्वों के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान डिक्रीज करेगा वैसे वैसे उनकी एक्टिविटी इंक्रीज करेगी. तो यहां सबसे ज्यादा जो एक्टिव एलिमेंट है वो बी होगा, तो एक्टिविटी कहां से बढ़ रही, ए से बी की तरफ, तो सबसे सक्रिय बी होगा. तो उसको ऑर्डर के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिख देते हैं यहां पर कि सबसे अधिक सक्रिय. क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसमें से सबसे सक्रिय धातु याद कीजिए और सक्रियता का बढ़ता हुआ क्रम बनाइए. तो सबसे कम सक्रिय ए होगी, फिर उससे ज्यादा बी होगी, फिर उससे ज्यादा ए के बाद में सी होगी, फिर उससे ज्यादा डी होगी और फिर सबसे ज्यादा बी की होगी. तो यहां मोस्ट एक्टिव जो एलिमेंट्स है वो कौन सा होगा, बी होगा, और ये सक्रियता का बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिएक्शन दी हुई है Zn प्लस ट्वाइस HCl गिव्स आउट ZnCl2 प्लस H2 गैस. कह रहा है रिएक्शन इज पॉसिबल आर नॉट, ये अभिक्रिया संभव है या नहीं.
तो अब हम जब रिएक्शन की पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, तो फिर ECS के ही बेस्ड पॉइंट के आधार पर अगर हम यहाँ ECS के माध्यम से समझें तो बहुत इजीली ये बात समझ में आएगी। हाइड्रोजन मिड कंपोनेंट्स, इनर्ट पोटेंशियल इज जीरो, नीचे चलेंगे वैल्यू प्लस में मिलेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, ऊपर चलेंगे वैल्यू माइनस में मिलेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन के सापेक्ष जो ऊपर के मेटल्स हैं, यानी हाइड्रोजन से जो ऊपर के मेटल्स हैं वे एसिड रिएक्टेबल हैं, जबकि हाइड्रोजन से जो नीचे के मेटल्स हैं वे एसिड रिएक्टेबल नहीं है। तो अभिक्रिया में देखते हैं कि कौन से एलिमेंट CCS में कहां सेटअप लेंगे। तो हमने देखा यहां क्या क्या है, ZN है, हाइड्रोजन है और उससे मिलकर के बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन के सापेक्ष अगर हम ZN का प्लेस दिखाएं तो हाइड्रोजन के सापेक्ष ZN ऊपर है। तो ECS में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वे एसिड रिएक्टेबल हैं। तो जिंक क्या करेगा, HCl के साथ में रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। इसलिए ये अभिक्रिया क्या है, संभव है। आपको रीजन देना होगा सॉल्विंग में, आपको कारण लिखना होगा। तो आपका ये मेन व्यू होगा कि ECS में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं एसिड रिएक्टेबल हैं, इसलिए यहाँ ZN HCl से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कोई फाइव एलिमेंट्स हैं A, B, C, D और E, जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः दिए हुए हैं -1.36 वोल्ट, B का +0.32 वोल्ट, C का +1.36 वोल्ट, D का -0.42 वोल्ट एंड E के लिए होगा माइनस का 1.26 वोल्ट, और इनके आधार पर सक्रियता का डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी एक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर फाइंड आउट करना है, घटता क्रम बनाना है। तो हमें सबसे पहले इनकी ECS ड्रॉ करना चाहिए। हाइड्रोजन इज द मिड कंपोनेंट्स, E नॉट वैल्यू इज जीरो, देन प्लस वाले वैल्यू इससे नीचे लिख लेते हैं। प्लस का कौन कौन मिलेगा, B का मिलेगा, C का मिलेगा। तो B के लिए लिखते हैं प्लस का 0.32 वोल्ट एंड C के लिए रिप्रेजेंट करेंगे प्लस का 1.36 वोल्ट, देन माइनस के लिए करेंगे। तो माइनस के वैल्यूज दो हैं यहाँ, तो तीन हैं यहाँ, कौन कौन से, A के लिए, D के लिए, E के लिए। तो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट वैल्यूज देख रहे हैं D के लिए, मिलेगी 0.42 वोल्ट फॉर D, एंड देन D के बाद इसकी है माइनस की 1.26, देन इसकी है 36, तो पहले आएगा E। E के लिए वैल्यू लिख लेते हैं माइनस का 1.26 वोल्ट और सबसे टॉप पर होगा A, और A का वैल्यू होगा माइनस का 1.36 वोल्ट। ये ड्रॉ हो गई आपकी ECS, कह रहा था सक्रियता का घटता क्रम। तो हमने कहा कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक्टिविटी इंक्रीज करती है, तो यहाँ क्या पूछ रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो क्या करें, इसका उल्टा कर दें, ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की सक्रियता का मान ECS में घटता है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या बना, A से E और E से D और D से B और B से C। यही क्वेश्चन कह रहा है कि सक्रियता का घटता क्रम। तो यहां पर हमने देखा कि सबसे कम सक्रिय जो धातु है वो कौन सी मिलेगी, C मिलेगी। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स यहां क्लियर किए, इनसे बेसिस आपको कॉज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो अगले लेक्चर वीडियो में मिलेंगे।